हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन दाजा में। दोस्तों अभी हम लोग घूमने के लिए आए थे पटना में, वैसे यूको पार्क बहुत ही फेमस है। दो तीन दोस्त थे यहां पे, देखिएगा मेरा ये है विवेक और ये दोस्तों यहां पे ऋतिक, देखिएगा ये है। हम सब घूमने के लिए आए थे इधर, लेकिन मालूम चला कि पार्क बंद है, तो फिर सोचे जो यहाँ पर बाहर ही थोड़ा बहुत घूम लिया जाए। और दोस्तों मज़ा बहुत आ रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इधर का जो हम लोग देख रहे हैं कि पेड़ पौधा का जो कंडीशन है वो बहुत ही अच्छा है, और हम चाहते हैं कि पटना ऐसे ही स्वच्छ रहे। और दोस्तों आइए आप लोग को दिखाते हैं कुछ यहाँ पे, यहाँ का जो कंडीशन है वो आप लोग को दिखाते हैं कितना बेहतरीन है। साइड में दोस्तों आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे सीएम आवास भी है। यहाँ पे आप लोग सीएम आवास पे अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम्स होती है तो यहाँ पे आ भी सकते हो। उधर तो हम आप लोगों को दिखा नहीं सकते हैं, वीडियो नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आइए कुछ यहाँ पर और भी आप लोग को स्पेशल दिखाते हैं जो आप लोगों को याद लगेगा हाँ कि भाई आया हूँ तो कुछ करके आप लोगों को दिखा दूँ। दोस्तों तो आइए हमारे साथ, ये मेरे साइड में पीछे में दोस्त सभी है सारे, बस फोटो क्लिक करने में लगा हुआ है सारे। बीच बीच में ऐसा वीडियो आता रहेगा दोस्तों, जहाँ पे अगर मैं मान लो कहीं घूमने के लिए जाऊँगा तो आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आज तो कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाया, बस समझो कि घूमने के लिए आया, तो मैं सोचा कि आप लोगों के लिए छोटा सा वीडियो बना लूँ, देखेंगे क्या था। वैसे जगह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़ेदार जगह है, और सच बताऊँ तो घूमने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और नेचर के साथ अगर आप मान लो कि थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हो तो भाई उसका कुछ मज़ा ही और है। सबसे बड़ी दिक्कतें क्या आती है कि हम लोग नेचर के साथ अभी टाइम स्पेंड करना बिल्कुल ही भूल गए हैं, जो मुझे लगता है कि हम लोगों को इस चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। बहुत ही मज़ा आ रहा है पेड़ पौधों के बीच में कुछ टाइम स्पेंड करते हुए। मैं तो अपने फ्रेंड सबसे बोला भी हूँ कि पर भी कोशिश करेंगे एक बार इधर आने का इको पार्क में। देखो भाई क्या होता है, सबसे बड़ी बात क्या कि हम सिंगल लड़कों की बस यही है कि दोस्त के साथ ही आ सकते हैं। बाकी आप लोग में से जो भी मान लो कि डबल हो वो जरूर आइएगा पार्क घूमने के लिए, और पार्क में अपना घूमिए। बाकी हम लोग का क्या है, अंदर में रहें बाहर में रहें बात तो बराबर है। बाकी दोस्तों बार बार एक ही चीज़ आती है ना कि ये सब जगह पे एक मतलब कहते हैं कि यार तो दिल को सुकून मिलता है टाइम स्पेंड करके। बाकी अभी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा, देखिए बार बार एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जगह जो है ना वो काफ़ी फेमस हो रहा है दिन प्रतिदिन। और आइए दोस्तों, ये विवेक जी का चश्मा है वो भी थोड़ा सा पहन लिया जाए, और इस चश्मे के साथ भी एक भी इस वीडियो को एक दो मिनट कंटिन्यू किया जाए। आइए हम लोग कुछ आज जो है वो नाश्ता भी कर लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं। चलिए चलिए आइसक्रीम खा लेते हैं सब, आइसक्रीम हम लोग खाते हैं। और यहाँ पर जो आइसक्रीम है सुने कि वो काफ़ी फेमस भी है यहाँ का। लीजिए लीजिए आपका चश्मा अपना लीजिए, तो आइए आइसक्रीम का मज़ा लेते हैं हम लोग और देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों उसी दुकान पे हैं जिनका आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और दीजिए ना कोई लो बजट वाला दीजिए ना हम लोगों का। जब भी इधर आइएगा भैया का आइसक्रीम जरूर खाइएगा आप लोग। जी सर, सुबह 6 से 12 खुलता है। तीन पीस लीजिए, जितने पीस कर लीजिए हम कुछ इसमें दीजिए ना कुछ दीजिए ना। 40 वाला दे दीजिए ना कोई, 60 का बजट नहीं है। रोकने से नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, तो सही वाला दीजिए ना, ये सही था दीजिए ना। इधर आइए आप लोग, भैया का जो है वो आइसक्रीम खाइए। ले लिया आप लोग? धन्यवाद। 60 का है ये, 40 वाला इसको भी दीजिए, 40 वाला इसको भी दीजिए। फाड़ देखिए इसको। हाँ बिल्कुल फाड़िए। और जब भी आप लोग इधर आते हैं तो भैया कम से कम सेवा का मौका दीजिए। बाकी दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए। और क्या बताएं यार, आइसक्रीम थोड़ा सा खा ही लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए। और फैंटेसी के साथ साथ कभी कभी ब्लॉग वीडियो भी आप लोगों के बीच में छोटा सा लेके आता रहूँगा, ठीक है।